अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके लिए खुशखबरी ये लेके आया हूं कि अब गाड़ियां पंक्चर नहीं हुआ करेंगी, आपका टायर जो है वो दुगनी जिंदगी लेगा। वजह क्या है वो आज इस वीडियो में आप एंड तक देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। दरमियान में प्रैक्टिकल भी है छोटा सा, तो वो भी आप देखिएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने इनोवेटिव पाकिस्तान ने मुतारफ़ करा दिया है पंक्चरलेस केमिकल। ये पंक्चरलेस केमिकल जो है इसकी अफादियत कैसे है, पहले भी कुछ केमिकल इस तरह के बने हैं लेकिन वो फेल हो गए, उसकी वजह क्या थी और ये पास क्यों हुआ और ये कैसे मुफीद है, तो इस पे आज बात होगी। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये एक पंक्चरलेस केमिकल की ये एक शीशी है, आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने टायर में, 125 ml कार के टायर में, 13 नंबर कार के टायर में आपने 125 ml डालना है, 12 नंबर में 100 ml डालना है और 14 नंबर में 150 ml डालना है, 15 नंबर में 165 ml डलता है। तो ये टायर के अंदर जब आप डाल देंगे तो फिर टायर पंक्चर नहीं होगा, एक फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपका टायर की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। आप कहेंगे जी वो कैसे, तो बल्कि कुछ लोग तो जो अनपढ़ या जाहिल किस्म के लोग हैं वो ये कहेंगे जी फ्रॉड, ये फ्रॉड हो गया। उनको तो खैर ये भी नहीं पता कि फ्रॉड के स्पेलिंग क्या होते हैं, कुछ फ्रॉड लिख रहे होते हैं, कुछ फ्रॉडी लिख रहे होते हैं, कुछ, लेकिन वो उनको पता क्योंकि नहीं होता, कम इल्म होते हैं, उनको मैं माफ़ करता हूँ। अब मैं साबित करूँगा कि लाइफ कैसे बढ़ती है। क्या आपको मालूम है कि आपका टायर इस वक्त तकरीबन 15,000 रुपए का एक टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर। इस टायर को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसके अंदर ऑयल इंडक्ट किया जाता है और टायर उस ऑयल की वजह से सॉफ्ट रहता है। अगर टायर पुराना होता जाता है तो वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता वहां से उड़ जाता है या ड्राई हो जाता है टायर, और फिर वो टायर हार्ड हो जाता है। जो टायर जितना हार्ड होगा उसकी लाइफ उतनी कम होगी और उसके फटने के चांसेस, ब्रस्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब भी टायर लें तो उसको सेंटर से दबा के देखें कि वो सॉफ्ट है या नहीं है, नरम है या नहीं है। अगर हार्ड होगा तो आप समझें कि वो उसकी लाइफ गुजर चुकी है, उसकी चाहे गुड्डी सही हो, ऊपर जो मोटाई है रबड़ की वो चाहे बिल्कुल पूरी भी हो, लेकिन अगर वो हार्ड है तो वो आपके लिए जान का ख़तरा भी है और वो आपका पैसे का ज़िया भी है और आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकता है कि एकदम ब्रस्ट हो और आपका कहीं टकराव हो जाए। अब इसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑयल इसका हिस्सा है और आपने देखा होगा कि पुराने टायर लेके लोग उसको स्टीम से हीट करते हैं और फिर उसमें से टायर के अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कार्बन अलग हो जाती है। ये इस तरह की लाहौर में कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अब मैं इस जो हमारे पास पंक्चरलेस केमिकल है ये टायर की उम्र कैसे बढ़ाता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जब ऑयल इसके अंदर चला जाएगा तो जैसे ही टायर घूमेगा तो एक लेयर अंदर बन जाएगी, पूरे हर साइड पे एक लेयर बन जाएगी और वो लेयर जो है वो उसके टायर के हल्के हल्के मसाम होते हैं जहाँ से टायर में से तेल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ड्राई हो जाता है, हवा में चला जाता है, उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है, तो वो उन मसामों में ये टायर जज़ब हो के, ये ऑयल जज़ब हो के तो टायर का कंपोनेंट बन जाता है, उसका हिस्सा बनता रहता है, जिसकी वजह से टायर सॉफ्ट रहता है। जब टायर सॉफ्ट होगा तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, उसके फटने के चांसेस कम होंगे। अब एक बंदे से मेरी जो पंक्चर लगाता है उससे मेरी बात हुई, मैं अपनी गाड़ी में ये डलवा रहा था अपने टायरों में कि मेरे टायर 2 पंक्चर हो चुके थे, एक बैक साइड का एक फ्रंट का, तो मैंने उसके कहा भाई मेरा ये केमिकल इसमें डाल दो। ज़ाहिर मैंने एक्सपेरिमेंट भी करना था कि मैं क्या सही हूँ भी या नहीं, तो उसने कहा जी ये क्यों डाल रहे हैं, मैंने कहा भाई ये पंक्चर नहीं होने देगा, कहता जी ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये फेल है। मैंने कहा तूने कभी इस्तेमाल किया है, कहते नहीं किया तो नहीं है। मैंने कहा फिर तूने फतवा कैसे दे दिया कि ये फेल है, तुम ये जो टायर खोलते हो मशीन से या किसी भी चीज़ से उसके बाद उसके किनारों के ऊपर मोबिलाइल क्यों लगाते हो,
कहते जी इससे हवा लीक नहीं होती। तो मैंने कहा मैं इससे मोबिलाइल से बेहतर चीज़ इसमें डाल रहा हूँ जो कि लिक्विड है और गाढ़ा लिक्विड है, तो उससे तुम कहते हो कि नहीं रुकेगा, तो जबकि तुम खुद ये काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अकल में ये बात नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तुमने सिर्फ उस्ताद से सीखा है और उसने लगाया मोबिलाइल और तुमने भी वो लगा दिया, पता ही कुछ नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन भी यही होता है कि रिम के ऊपर अगर आप ट्यूबलेस टायर चढ़ाते हैं तो वो आप देखते होंगे कि वो एक कपड़े के साथ काला मोबिलाइल उसके दाएं किनारों पे अच्छे तरीके से लगाता है तो फिर हवा रुकती है, अदरवाइज वो हवा नहीं रुकती। और अगर मुस्तकिल उसमें ये लिक्विड ऑयल यानी मौजूद होगा तो वो उन जो रिम और टायर का किनारा है उसके अंदर भी फंसा रहेगा और वो उस जगह से कभी भी हवा नहीं लीक होगी। कई दफ़ा हमने देखा है कि गाड़ी अगर किसी खड्डे में पड़े तो वो उस जगह से टायर एकदम से उसमें से हवा निकल जाती है, क्योंकि वो रिम जो है उसका और टायर का जो कड़ा है उसमें से थोड़ा सा गैप बनता है और उसमें से हवा निकल जाती है, लेकिन जब ऑयल अंदर होगा तो वो गैप नहीं बनेगा। फिर टायर क्योंकि सॉफ्ट रहेगा उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। तो आजकल जितनी महंगाई है, चार टायरों का मतलब ये है कि 60,000 रुपया, और अगर बड़ी गाड़ी हो जैसे कि मेरे पास है टोयोटा एस्टीमा, उसका एक टायर ही 25,000 रुपये का, तो 25,000 रुपये का टायर, चार टायर 1,00,000 रुपये, अगर मेरी उसकी लाइफ डबल हो जाए तो मेरा वो जो खर्चा है वो आधा हो जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ डबल होगी। फिर पंक्चर नहीं होगा, पंक्चर का इस वक्त इन्होंने लूट मार मचा दी है कि 350 रुपये का पंक्चर। भाई मैं कई दफ़ा पूछता हूँ भाई इस पे अखराजात कितने हैं, 10 रुपये, तो पंक्चर 350 रुपये का, यानी अक्सर औकात तो वो एक सुवे में धागा डालते हैं वो मोटा सा एक वो वट सी और वो अंदर से गुजार के और ऊपर से काट देते हैं तो 350 दे दें। अब भाई क्यों दे दें, खर्चा कितना है तुम्हारा? वजह ये है कि हम लोग क्योंकि मजबूर हैं उनसे करवाने पे, हम खुद नहीं खोल सकते और वो काम खुद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनसे 350 रुपये दे के जान छुड़ा लेते हैं। फिर एक पंक्चर हो तो चार वो अपने पल्ले से कर देते हैं उसको और कहते हैं जी ये देख लें आपके सामने, क्योंकि आप बैठे होते हैं दूर और अगर सर पे भी खड़े हों तो उनके पास ऐसी टेक्निक है कि वो उसको सुराख कर देते हैं बारीक से और कहते हैं ये देखें जी हवा निकल रही है, उसके ऊपर रंगदार पेंसिल से लगाएंगे कि ये हो गया ये हो गया, बस 1500 रुपये दे दें, चार पंक्चर निकला है। तो इस तरीके से तो वो हो रहा है। अब इनको सबक सिखाने का टाइम है क्योंकि इन्होंने इतनी लूटमार मचा, हर बंदा ही खैर लूटमार मचाने पे तुला हुआ है, लेकिन इन्होंने तो इंतहा कर दी। जो पंक्चर एक साल पहले 50 रुपये का लग रहा था, फिर वो 100 का हुआ, फिर वो 150 का हो गया और अब 350 पे, एकदम से 350 पहुंच गया। तो इसको अब एड्रेस करने की ज़रूरत थी, जो मैंने ये किया। अब हम इनोवेटिव पाकिस्तान का ये पंक्चर लेस केमिकल दे रहे हैं, जिसने एजेंसी लेनी हो, जो मोबिलाइल हमारे से एजेंसी ले रहे हैं। अच्छा मोबिलाइल की मैं बता दूं कि हमारा मोबिलाइल इतना कम कामयाब हो चुका है कि हमारे इस वक्त डीलर मुख्तलिफ शहरों में 25 डीलर बन चुके हैं। अब वक्तन फर्दन फर्दन तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन सवात, एबटाबाद, मानसरा, बालाकोट, फिर वाकेंट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, गुजरात, समड़ियाल, सियालकोट और लाहौर, गुजरांवाला में 3 जगह पे मुख्तलिफ, रावली में और वापडा टाउन, इसी तरीके से मुल्तान में हमारा अपना ऑफिस है, जंग में हमारा अपना ऑफिस है, कराची में हमारा अपना ऑफिस है, तो बाकी शहरों में भी ये अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। तो उनको तो इस उसी डीलरशिप में ये मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई और लेना चाहे तो हमारे से रابطہ कर सकता है। हमारे दिए गए नंबर मौजूद हैं ऊपर, इनसे रابطہ करके इन नंबरों पे तो आप हमारे से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारी ग्रीस जो प्योर प्योर रिंड के तेल से बनी है, उसमें कोई वो जो कहते हैं ना आलूओं वाली ग्रीस और ये ग्रीस वो ग्रीस, आप देखें कि जो ग्रीस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अगर आप शॉपर से खोलें तो आधी काली और आधी लाल होती है। वजह क्या होती है कि वो गंदे तेल से बनी होती है
और गंदे तेल के भी मैल से बनी होती है, तो जिसमें कचरा मिक्स होता है तो वो फिर रगड़ पैदा करता है और फ्रिक्शन पैदा होती है और आपकी चीज़ें जो हैं लोहे को वो घिसना शुरू हो जाता है और आपके पार्ट्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय वो नुकसान पहुंचाती है। आप ये देखें, दूसरी बात, एक जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि आप मैकेनिक की बातों पे मत जाया करें। ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं ज़्यादातर, कुछ पढ़े लिखे थोड़े हैं, पढ़े लिखे शायद ही मैंने कोई देखा हो। लेकिन अब देखें कि एक चीज़, बेरिंग में जापान से उसके अंदर ग्रीस डाल के आती है, ऊपर सील लगाई होती है कि डस्ट अंदर ना जाए, और मैंने जितने भी मैकेनिक देखे हैं सारी उसकी सील तोड़ के अंदर वो गंदी सी ग्रीस घुसेड़ देते हैं। अगर डस्ट ना जाए तो बेरिंग खराब नहीं होता, तो इनको मत सील तोड़ने दिया करें। ये तोड़ के आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी इलेक्ट्रिशियन से अगर गाड़ी ठीक करवाएं तो उसको कांटी मार के वहां से वो टांका लगा के और आपकी गाड़ी का वो सिस्टम तो चालू कर देता है, लेकिन होता यह है कि जापान जो गाड़ी बना के भेजता है हर तार की अपनी एक करंट को बेयर करने की कैपेसिटी होती है। अगर आपकी एक लाइट का जो बल्ब है वो उस एक तार पे शिफ्ट किया हुआ है और उसमें से आप कांटी मार के दो तारें उसको और दे देते हैं और एक्स्ट्रा लाइट्स लगा देते हैं या और कुछ कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो तार पे लोड ज़्यादा पड़ता है और वो जल जाएगी, या कंप्यूटर पे लोड पड़ेगा या आपका फ्यूज़ बॉक्स ही जल जाएगा। तो ऐसा उनको काम मत करने दें, सर पे खड़े होके काम करवाया करें, अदरवाइज वो आपका गाड़ी सबसे ज़्यादा ख़राब करने में इलेक्ट्रिशियन का हाथ होता है। इलेक्ट्रिशियन ऐसे, अब मैं क्या कहूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, बस ये पता है कि ये ठंडी है और ये गर्म है बस, बाकी ना इनको ये पता है कि 12 वोल्ट की जो तार होती है उसकी कितनी तारें वाली जो तार है वो इतना करंट बेयर करेगी, उस पे क्या हम सिगार चला सकते हैं या नहीं। आप देख, मेरा सिगार खराब हो गया, गाड़ी मेरी बिल्कुल नई थी और मैंने इलेक्ट्रिशियन के पास गया तो उसने क्या किया कि जो तार टेप को जा रही थी उसमें से कांटी मारी और उसमें कर दी, वो वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए चल गया लेकिन उसके बाद उसने वो पूरा सर्किट ही जला दिया। तो ये ज़रा गौर किया करें कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके साथ जो लोग ये मैकेनिक बने फिर रहे हैं, एक्सपर्ट बने फिर रहे हैं, वो क्या करते हैं। आप इनसे पूछ के देख लें, मैकेनिकों से, कि भाई 20W50 का क्या मतलब है, 10W50 का क्या मतलब है मोबिलाइल के, इनको कुछ पता नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि सिवाय 1-2% के बाकी मैकेनिकों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो वो मैकेनिक किस बात के मशवरा दे रहे होते हैं, ऐ ना पाना ऐ पा लेना, आलू ना खाना गोभी खा लेना, जिस तरह हमारे यहाँ इंसानों के साथ भी यही सलूक होता है कि कुछ डॉक्टरों ने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ी होती और कोई भी मरीज आके पूछता है जी बुखार है मैं गोभी खा लूँगा, नहीं, दूसरा आके पूछता है मैं गोभी खा लूँगा, खा ले, यानी पता कुछ नहीं है। इधर मैकेनिकों ने तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं है, हथौड़ा मार का तोड़ देंगे आपके किसी न किसी चीज़ को हथौड़ा मार के। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। अब ग्रीस, गेयर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, हमारे ये पंक्चर लेस और मोबिलाइल, ये चार प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में आ चुकी हैं। हमारे रावलपिंडी ऑफिस से भी आप ले सकते हैं, जो जो मैंने सवात और ये वो सारे गिनवाए हैं इन सारे पॉइंट से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हमारा मकसद है इस मुल्क को टेक्नोलॉजी देना। मैं दे रहा हूँ जिनके सर से गुजर जाती है या जो नहीं समझ सकते वो ना करें, उनको मुझे पता है उन्होंने ये कहना चाहिए ये फ्रॉड है क्योंकि उनके अकल इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। तो आ जाएंगे इस पे, लेकिन जिस कौम ने 35 साल लगाए हों देसी घी से डालडा घी पे शिफ्ट होने में, देसी अंडे से वलैती अंडे पे शिफ्ट होने में 35 साल लगाए इस कौम ने, वो कैसे शिफ्ट होगी। वो नूर जहाँ के गाना है, मैं अक्सर बताता होता हूँ कि उस आने से क्या हासिल, तुम आए और हम ना रहे। तो वक्त पे आना ही काम होता है, जब आए और अगला बंदा ही ना रहा या अगला वो चीज़ ही उजड़ चुकी है तो फिर उस आने का क्या फायदा, जब नुकसान कर लिया तो फिर उस पे अडॉप्ट करने का क्या फायदा। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी होगी और आप उस टेक्नोलॉजी पे वापस आ रहे होंगे। मेरे भाइयों, जल अब ऐसे ही
आपको ये मेरी वीडियो मिले तो इस पे गौर जरूर कीजिएगा कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ। आप ये करके देख लें कितने का है, यानी एक बॉटल जो एक टायर में 150 या 200 रुपए का डाल जाएगा केमिकल, लेकिन अगर वो आपकी टायर की जिंदगी डबल कर देता है और पंक्चर लेस कर देता है, टेंशन फ्री कर देता है, तो और क्या चाहिए। अब मैं इसका इस्तेमाल पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये मुझे टायर दें जी, ये कैसे करना है। तो इसको इस्तेमाल करने का प्रॉपर एक तरीका है, ज़्यादा ना खोलो भाई, क्या कर रहे हो, इसको ऊपर रखो, इधर रख दो ज़्यादा इधर, ताकि ये देखें ये टायर है, ये इसकी नोजल है, ये इसको कैमरे को थोड़ा इधर कर दो, ये मुझे छोड़ दो। ये देखें ये इसकी नोजल है, ये नीचे नहीं होनी चाहिए ना ही ऊपर होनी चाहिए, ये थोड़ी सी सेंटर से नीचे हो। अब मैं अगर इसमें ये ऑयल डाल रहा हूं, ये मैंने डाला, इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑयल सारा इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद आप हवा भरवा लें। याद रहे कि पहले वॉल खोल लेना, हवा निकाल लेनी है, ये बैठ जाएगा, उसके बाद इसमें आपने ये जो पंक्चर लेस केमिकल है ये इसमें इंडक्ट कर देना है। जब इंडक्ट कर देंगे, इसमें डाल देना है, इसके अंदर प्रेस कर देना है, भर देना है, ये जब खाली हो जाए तो फिर आपने वॉल लगा देना और हवा भर देनी है। मैंने तो खैर अपना छोटा सा पंप खरीद के रखा हुआ है, मैं खुद ही हवा भर लेता हूँ, मैंने कभी किसी हवा वाले को भी पैसे नहीं दिए। ठीक है, आप मुझे कंजूस कहना तो कह रहे हैं, तो ये पकड़ें जी, ये आपने इस तरीके से करना है। इस जो नोजल है इसको नीचे नहीं होने चाहिए ना ही ऊपर होना चाहिए, ऊपर होगी तो आप डालेंगे वो बाहर ही निकल आएगा, गिर जाएगा ग्रेविटी से, नीचे होगा तो ये टायर, क्योंकि पंक्चर हवा निकल चुकी होगी तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, तो इसलिए इधर होना इसका ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो बस इतनी थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, मैं रिसर्च करता रहूँगा, आपसे शेयर करता रहूँगा, जो उसमें से अक्लमंद लोग होंगे वो मुझे अपनी राय देंगे और जो बेवकूफ़ होंगे वो अपनी राय, बेहतर ये है कि वो राय ना ही दें, सिर्फ यही लिख दें फ्रॉडी या फ्रॉड या कुछ ऐसा ही लिख के अपनी, जैसे उनकी अकल जितना ज़र्फ। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।